मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ दोस्तों, ये शीर्षक है हमारी इस कहानी का। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। दोस्तों, पिकासो स्पेन में जन्मे एक मशहूर चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग करोड़ों व अरबों में बिका करती थी। वो केवल स्पेन में ही नहीं बल्कि हर जगह लोग उनके पेंटिंग के दीवाने थे। अरे पिकासो सर, आपकी बनाई पेंटिंग के तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। अच्छा है ना, कला का सम्मान होना चाहिए। एक बार पिकासो किसी काम से कहीं जा रहे थे, मगर रास्ते में शाम होने के कारण उन्होंने एक गांव में रुकने का फैसला किया। ओहो, मुझे चलते चलते शाम से रात हो गई, अब क्या करूं? यहीं इसी गांव में रुकता हूँ। अरे वो सामने लाइट जल रही है, घर में कोई है? जी कहिए। जी मैं यहाँ से जा रहा था तो रात हो गई, तो इसलिए क्या मुझे यहाँ पे रुकने के लिए जगह मिल सकती है? जी आप कौन? जी मैं एक कलाकार हूँ। ओहो अच्छा, जी आप यहाँ रुक सकते हैं। जी आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद। इन्हें कहीं देखा देखा लग रहा है, जाकर पूछती हूँ। अरे आप वही मशहूर चित्रकार पिकासो तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपकी सभी पेंटिंग्स बहुत पसंद है। जी धन्यवाद। क्या आप मेरे लिए भी एक छोटी सी पेंटिंग बना सकते हैं? हाँ हाँ बना देता हूँ। ये लो, और सुनो ये पूरे 1,00,000 रुपए की पेंटिंग है। सच में? हाँ। कोई भी पेंटिंग 1,00,000 की थोड़ी ना होती है, मजाक कर रहे होंगे। मैं इसे ना बाजार में जाके पता करती हूँ। अरे वो दीदी, मुझे आपसे एक काम है। हाँ जी कहिए। अरे आप ये बता सकते हैं ये पेंटिंग कितने की होगी? दिखाइए। अरे ये तो पिकासो की पेंटिंग है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो पूरे 1,00,000 रुपए की पेंटिंग है। अच्छा सच में? जी। अच्छा, अरे ये पेंटिंग तो सच में 1,00,000 की निकली, जाकर बता के आती हूँ। अरे सर आपने तो मुझे बिल्कुल सही कहा था, ये पेंटिंग तो पूरे 1,00,000 की है। जी आपसे तो मैंने पहले ही कहा था। सर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में 1,00,000 रुपए की पेंटिंग बनाई है, वैसे मैं भी 10 सेकंड में तो नहीं 10 मिनट में ही सही अच्छी पेंटिंग बना सकूं। बेटा ये जो मैंने 10 सेकंड में पेंटिंग बनाई है, इसे मुझे सीखने में पूरे 30 साल का समय लगा है। ओहो अच्छा। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिए, अगर तुम भी दोगे सीख जाओगी। ओहो अच्छा, तो सीखोगी पेंटिंग? जी सर। अच्छा बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू मेरी प्यारी बच्ची। वो लड़की बहुत खुश हो गई। दोस्तों जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें यह सब बड़ा आसान लगता है। हमें लगता है कि यह व्यक्ति कितना जल्दी और कितनी आसानी से सफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों, उस एक सफलता के पीछे ना जाने कितने सालों की मेहनत छुपी है, यह कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। जो लोग मेहनत करके अनुभव हासिल करते हैं वही कामयाब हो जाते हैं, और दूसरों को लगता है कि यह कितनी आसानी से सफल हो गए। मेरे दोस्तों एग्जाम तो केवल 3 घंटे का होता है, लेकिन उस 3 घंटे के लिए हमें पूरी साल मेहनत करनी पड़ती है। तो आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हैं? सफलता संघर्ष एवं अनुभव मांगता है। अगर आप देने के लिए तैयार हैं, तो आपको आगे आने से कोई भी नहीं रोक सकता।
धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इस नाटक में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के नाम हैं काजल पांडे, शिवान सैफी, तुलसी शर्मा, अस्मिता शर्मा और हर्षिता कुमारी। धन्यवाद।